जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़ कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियाँ भी वहाँ पत्थर भर रही थी, तो इन सब से कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से, तो इतनी इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है, ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है, तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा मेहनत किए, आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। आप सबकी ज़िंदगी में कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी ज़रूरी है। ठोकरें खाकर भी न संभला तो ये मुसाफिर का नसीब, राह के पत्थर तो अपना फ़र्ज अदा कर चुके। और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला जब कंपनी जब स्थापना हुई थी तो 1 साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे, कंपनी का दिमाग हिल गया था। लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला, भाई साहब ठंडा मतलब वो होता है जिसका टेम्परेचर कम हो, लेकिन इतना भी कहा कि इसके आगे लोग भूल गए कि ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होता, ठंडा मतलब वह चीज जिसका टेम्परेचर कम है। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा, आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा, बहुत से चीज़ें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज़्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है, हम लोग के भी लाइफ में बहुत बहुत तकलीफें आई थी, ज़िंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। ज़िंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे।